नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। कंगना के लॉकअप की कैदी बनी एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने हाल ही में ये खुलासा किया था कि करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जादू टोने और वशीकरण तक का सहारा ले लिया था। हालांकि एक्ट्रेस को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने ये कदम उठाया। पायल के इस खुलासे ने सबको चौंका दिया था। पायल के इस खुलासे के बाद कंगना ने एक्ट्रेस का मजाक बनाया था कि अब संग्राम सोच रहा होगा कि क्या वशीकरण की वजह से वो आपसे प्यार करता है। अब खुद संग्राम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। संग्राम का कहना है कि उन्हें इसके बारे में पता था, वो उस तांत्रिक से मिले भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संग्राम ने इस बारे में कहा, पायल के किसी रिश्तेदार ने उन्हें एक ढोंगी तांत्रिक से मिलवाया था। उसने पायल को यकीन दिलाया था कि अगर आप ये पूजा करवा लेती हैं तो आपके सारे काम हो जाएंगे, आप बस उस प्रोडक्शन हाउस का नाम बताओ और आपको वहां से कॉल आने लगेंगे। उसने मेरे बारे में भी कहा था कि ये लड़का आपके लिए सही नहीं है, लेकिन गलती से जब मैं उस तांत्रिक से मिला तो मैंने उसे कहा कि आप अपना फ्यूचर नहीं जानते तो दूसरों का कैसे बता सकते हो। मैंने उसी तांत्रिक का चैप्टर वहीं खत्म कर दिया। पायल इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, लेकिन उसके किसी रिश्तेदार ने उसे ये सलाह दे दी थी तो उसे लगा कि ये उसके लिए काम करेगा, तो आज मैं भरोसा करती है, अंधविश्वास में नहीं। हम 11 साल से ज्यादा वक्त से साथ हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जीवन में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो भोली थी और उस समय किसी के बहकावे में आ जाती थी। पायल ने खुलासा किया था, मुझे इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं। इस दौरान एक समय ऐसा भी था जब मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने तांत्रिक पूजा करी अपने करियर को पुश देने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिक्षित महिला या पेशेवर ऐसा सोच सकता है करियर को आगे ले जाने के लिए कि वो तांत्रिक पूजा करे। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो उसे छिपाया जाना चाहिए। वशीकरण नाम की कोई चीज थी जो मैंने की थी। दिल्ली के एक पुजारी थे, उन्होंने मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए कहा या उस व्यक्ति के किसी भी चीज को लाने के लिए कहा था जिसे मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत कुछ किया लेकिन इससे मुझे कुछ भी मदद नहीं मिली। मुझे ये डर था कि अगर मैं किसी को या मेरी माँ को कुछ भी बता दूँ कि मैंने अपना करियर बचाने के लिए वशीकरण किया और इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये एक रहस्य रहा है जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेवर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस के भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।